ये देखिए दोस्तों, जा रहा है इसका जो है पीस बनाने। ये देखिए ऐसा बर्फी की तरह सबका पीस आया है। ये देखिए भाई, मटन को चढ़ा दिया दिल के साथ मिला के उबलने के लिए। और ये हमारा जो तिल्ली और दिल, अब इसको जा रहे वॉश करके जो है अभी बनाने के। पानी भर रहेंगे, घूम घूम के चारों तरफ पानी भर रहे हैं। सुनने में आ रहा है एक दो दिन पानी नहीं आएगा, डब्बे डब्बे में भर रहे हैं पानी। अब ये गोश्त हमारा, ये वाला उबल गया है मटन, और इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें इसे चाप भी है, चाप ऐसे करके निकाल देते हैं। चाप खाने का भाई मज़ा ही अलग है, मज़ा आ जाता है चाप। ये देखिए छोटे छोटे पीस है तिल्ली के, दिल के, प्याज डाल के अदरक लहसुन का जो है पेस्ट डाल दिया। हेलो दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखिए चाप आपका माल सब निकाल लिया है, अब बनने का जो है तैयारी जो है चल रही है। ये देखिए अब बाकी का आइटम जो हमारा जो है निकाला गया है, ये है तिल्ली, ये बकरे की तिल्ली है, और ये दिल है। कलेजी हमने हटा दिया था क्योंकि कलेजी जो है बड़ी फीकी फीकी आती है, मज़ा नहीं आता खाने में। दिल बहुत टेस्टी बनता है भाई। अब इधर देखिए ये बड़ा पीस है मटन का, और एक पीस ये है, दो पीस ये हो गया। और ये हमारी चाप, ये देखिए चाप का माल अलग करके निकाला है। बाकी की और चाप जो है फ्राई हो गई थी, तीन चाप इसमें बची हुई थी। ये चाप अलग से जो है इसको फ्राई करा जाएगा, या फिर जो है जब ग्रेवी के साथ बनेगा इसको ग्रेवी के साथ बनवा देंगे। बाकी का हमारा मटन जो कि ये है, ये चर्बीदार मटन। और अभी तो भाई जो है हम जा रहे हैं दिल को जो है फ्राई करने के लिए, और सारे मटन को जो है उबाल के रखना है। और ये जो तिल्ली होती है इसको फ्राई नहीं किया जाता है, इसको बनाया जाता है सालन में। तो हम इसको जो है रख देते हैं अलग, तिल्ली को इसी में रख देते हैं, और जो है दिल का छोटा छोटा पीस बनाते हैं। चलते हैं मसाला तैयार करके खाने दिल को, बहुत टेस्टी आता है भाई। सबसे पहले इसको धो लेंगे। अम्मा मसाला तैयार कर रही, इधर साबुन सानवा जा रहे नहाने के लिए। ये देखिए सब मसाले, अदरक लहसुन। भाई मटन का जो है पीस जो है बहुत टेस्टी रहता है, भैंसे के पीस से तो बहुत टेस्टी रहता है। बड़ा विटामिन इसके अंदर होता है, B12, हजम भी बहुत तेज हो जाता है, बड़ा मज़ा आता है खाने में। और ख़ास तौर से बकराईद का गोश्त जो रहता है नमकीनपन रहता है, बहुत बढ़िया नमकीन रहता है। और ये सब जो है बकराईद पे जो है मटन जो खा रहे हैं, तो इसका जो है स्वाद आपको अलग मिलेगा। बाहर से खरीदा हुआ मटन का स्वाद आपको अलग मिलेगा। ये सब घर के पले हुए बकरे रहते हैं। और दोस्तों घर का भी जो है काम अब की संडे को कोशिश ये कर रहे हैं कि लाइव लाइव ले आएँ और घर का काम सब चालू करें, बेड वेड बनाना शुरू करें। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 6 महीने के बाद शादी ब्याह की भी तैयारी होने वाली है, तो सबसे पहले ये सब काम जो है निपटाना पड़ेगा। देखिए अभी तक जो है बेड जो है हमारे यहाँ बनी नहीं, ऐसे ही ज़मीन पे बिस्तर बिछा के अभी सो रहे हैं। इधर वाले कमरे में भी बेड नहीं है, लकड़ी जबकि ला के सब रखे हुए हैं। सब देखिए सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, बस इसको निकाल कर काम चालू करवाना है। चलिए दोस्तों फिर चल रहे हैं हम पीस बनाने के लिए। ये देखिए दोस्तों जा रहे इसका जो है पीस बनाने। देखिए ऐसा बर्फी की तरह सबका पीस आया है। ये देखिए फ्रेश मीट है बिल्कुल, एक नंबर का मटन है भाई। अब गोल गोल बोटी ये जो बना रहे हैं ये बिरयानी के लिए हम बना रहे हैं। ये हमारा जो है बिरयानी वाला रहेगा मटन। ये देखिए ये देखिए भाई मटन को चढ़ा दिया है दिल के साथ मिला के उबलने के लिए। और ये हमारा जो तिल्ली और दिल, अब इसको जा रहे वॉश करके जो है अभी बनाने के लिए, क्योंकि जो है बिरयानी बनने की तैयारी हो रही है। बिरयानी बनने में अभी टाइम लगेगा। अब्बा जो है चाय और बिस्किट खाने जा रहे हैं, एक 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 तो खा ले। चावल डाल क्या हो बिरयानी वाला,
खानाबाद जा रहा है चावल लेने रमन के साथ, और जैसे दिन का मटन रखा हुआ है। यार पीस खिला दो मैं भी। चावल आया? चावल में सबसे ऊंचा आ गया। चावल ये कौन सा चावल है? चावल में सबसे ऊंचा ब्रांड है। पैकेट में आने लगा क्या? दावत पुलाव बासमती राइस 1 किलो का है। कौन सा बासमती पैकेट लेते हैं लोग? बहुत कम खुला है। दोस्तों तिल्ली और दिल जो है देखिए इसमें डाल दिया है, तैयार कर रहे हैं भाई। ये देखिए छोटे छोटे पीस है तिल्ली के, दिल के, प्याज डाल के अदरक लहसुन का जो है पेस्ट डाल दिया। अब इसमें और भी जो मसाले हमारे सबको ऐड करते हैं हम। ये देखिए पहले तो हमने सोचा था कि जो है दिन को जो है फ्राई करेंगे जैसे बाजार में बिकता फ्राई किया हुआ, लेकिन जब साथ में तिल्ली भी बनाने वाली बात हो गई, तिल्ली के बाद फ्राई नहीं किया जाता तो क्या मसाले नहीं बन पाए। पानी भर रहेंगे, घूम घूम के चारों तरफ पानी भर रहे हैं, सुनने में आ रहा है 1-2 दिन पानी नहीं आएगा, डब्बे डब्बे में भर रहे हैं पानी। और ये गोश्त हमारा ये वाला उबल गया है मटन, और इसको हम निकाल लेते हैं इसमें, इसे चाप भी है, चाप ऐसे करके निकालते हैं। चाप खाने का भाई मज़ा ही अलग है, मज़ा आ जाता है चाप। दोस्तों बिरयानी हमारी बन के तैयार हो गई है, अब चल रहे हैं भाई खाने के लिए, निकालते हैं और खाने के लिए बैठते हैं। ये है भाई बिरयानी हमारी, ये चिकने वाला मटन, ये रूखा मटन। भाई बहुत कम लिया है मैंने क्योंकि मैं बिरयानी का इतना शौकीन नहीं हूँ, और इसमें जो है तिल्ली और दिल बनाया था। ये देखिए ये दिल है और ये है तिल्ली। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये लिया हमने मटन के साथ बिरयानी, और ये पीस दिल है। बिरयानी तो बहुत अच्छी बनी भाई, चावल हमने इसमें बहुत अच्छे किस्म का यूज़ किया है, और चावल का नाम था बासमती पुलाव, काफ़ी प्रसिद्ध है चावल है ये, ज़्यादातर रेस्टोरेंट में इसी चावल का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े जगह पर जो भी जो है प्रोग्राम हो रहे हैं तो यही चावल जो है यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत अच्छा चावल है। ये रहा मेरा चिकने दाल, ये चिकने वाला पीस है, चलिए जैसे बर्फी का पीस है। चलिए दोस्तों फिर खाना खा लें। खाना पीना हो गया भाई, अब्बा देखिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं। अब कोल्ड ड्रिंक देख के कितनी जल्दी अंदर से बाहर आ गया है। ला भाई याद हो रहे बोतल वाली है भाई, बहुत शौकीन है कोल्ड ड्रिंक पीने का। स्प्राइट ये आ रहा है, भी जमन को भी कोल्ड ड्रिंक पिलाया जाएगा। एक गिलास जो है हमने लिया है, ना देखिए कैसे झाग निकल रहा है इसमें, ना तुम निकाल दो, उसको देखिए बोतल में मांग रहा है। मजा बोतल ही नहीं आता, गिलास में नहीं आता, बोतल ही में होता है। हाँ गिलास में नहीं आता, हाथ करो लाओ कैसे एक बार में सौ से अंदर एक बार में
ठंडा भी लगता है। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पी लिया, नींद आ रही है, जा रहे सोने के लिए। वीडियो को यहीं पर एड करते हैं, कल कुछ नया रेसिपी फिर बनेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।